दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत तो हमारे बीच नहीं रहे और वे चले जाने के बाद हमें बॉलीवुड का काला किस्सा, काला चिट्ठा हमारे सामने नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत थे एक वर्सेटाइल एक्टर, वे बॉलीवुड में बहुत नाम कमाए थे। लेकिन दोस्तों, मैं अगर ऐसा कहूँ कि हॉलीवुड का कुछ ऐसा एक एक्टर है जो कि ये न्यूज है, इस न्यूज से नाखुश है, या फिर ये जो न्यूज है ये न्यूज उन्हें अच्छा नहीं लगा है, तो आपको कैसा लगेगा? जरूर अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। असल में बहुत इमोशनल हो पड़ा था। क्या हुआ था मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए आपको जुड़ना होगा वैसे लाइव में ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों, हॉलीवुड की स्टार, WWE सुपरस्टार, मैं बात कर रहा हूँ जॉन सीना के बारे में। जी हाँ, जॉन सीना हॉलीवुड मूवी में भी अभी बहुत फेमस हो चुके हैं, लेकिन वे जो फेमस है वो मेनली WWE सुपरस्टार की हैसियत से बहुत फेमस है। अगर उनके साथ सुशांत सिंह राजपूत का लिंक आ जाए तो कैसा लगेगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इमोशन हो गया था। क्या हुआ, जॉन सीना के जो इंस्टाग्राम अकाउंट है जॉन सीना करके, वहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत का जो पिक्चर है वो फीचर किया गया था। और ये जो पिक्चर पोस्ट हुआ था, ये पिक्चर कुछ दिन पहले ही पोस्ट किया गया था, लेकिन इस पिक्चर के बारे में ज्यादा न्यूज सामने नहीं आया है, क्योंकि बॉलीवुड का काला चिट्ठा इतना बढ़ गया था, हम सब बिजी हो गए थे वो सब ओपन करने के लिए। लेकिन ये जो एक पोस्ट था, ये एक पोस्ट बहुत महत्व रखता है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म होगा या फिर नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन एक ऐसे बॉलीवुड की स्टार जिसे नेपोटिज्म के लिए चला जाना हुआ, उनको अगर कोई हॉलीवुड का एक्टर सपोर्ट करते हैं तो इनमें जरूर कुछ ना कुछ बात है, जरूर कोई ना कोई बात जरूर है। और मुझे लगता है ये एक ट्रिब्यूट था सुशांत सिंह राजपूत के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये पिक्चर क्यों दिया गया है? हालांकि जॉन सीना ने अपने प्रोफाइल पे लिख दिया है कि वेलकम टू माय इंस्टाग्राम, दीज इमेजेस विल बी पोस्टेड विदाउट एक्सप्लेनेशन फॉर योर इंटरप्रिटेशन, एंजॉय। उन्होंने ये भी कह दिया है कि यहाँ पर जो पिक्चर पोस्ट किया जाएगा वो बिना एक्सप्लेनेशन के होगा, तो आप एंजॉय कीजिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, साथ में ये भी लिखिए, हॉलीवुड भी जिसका लॉस नहीं मान पा रहे हैं, तो बॉलीवुड वाले का काला चिट्ठा सामने आना चाहिए या फिर नहीं? मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके कमेंट का।